वर्तमान सते सकाळ द्वितीय पर्याय एवं आम सहित अतिथि भी जोड़ी होती आज जी अतिथि अच्छा से क्रिकेटर भी प्रोड्यूसर भी माने फील्ड से पार्टनरशिप करती जो क्रिकेट खेलती आज जो फिल्ड रु बाहरी आसती से प्रड्यूस करती तो बेसी डेरी करनी मुहर ही शुणा निहाती भाव गोटे कम्बिनेसन टे अलग लगुच सुशील कुमार बारिक रही भुवनेश्वर प्रथम तक स्वागत करवा सुशील भाई आपको स्वागत कर बहुत बहुत धन्यवाद अर्गस टीवी को पूरा ओडिशावासी को नमस्कार। अच्छा ठीक है आप क्रिकेट सहित तो मैं प्रड्यूसर ये आगे क्रिकेट ना आगे प्रड्यूसर एक्चुअली क्रिकेट मोर छोट बड़े पैसन थी एंड इंटरेस्ट होची ओलीवुड इंडस्ट्री इंडस्ट्री को ये करया पई मोर जे कॉम्बिनेशन टा टिके ये लागुनी माने जणे खेलाडी ता सहित पुनी फिल्म प्रोड्यूस करियो माने कोठी भी किछि ताळमेळ रहउनी देखन तो एक्चुअली क्रिकेट रु मु छोटोळ जड़ित पूरा बहुत अराउंड 21 वर्ष होलानी मु क्रिकेट इंडस्ट्री अच्छे माने क्रिकेट खेली चलची बट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री कोन पई आसे रीजन थला कि बहुत यंगस्टर्स माने थिले जमीक आप जानते मोर दी तीन टा गीत प्रड्यूस करो थे कि नुआ नुआ पे चान्सेस देम को ग्रो अप करने एक्चुअली ये प्रड्यूसर लाइन में मुझे फर्स्ट आसली देन एवं से बहुत इंटरेस्ट भी बढ़ी चलना एंड इट वाज गोइंग गुड से बहुत भल आगे बढ़ी चलें जमी आप जानते आप आकाश होता ओडिया टोका आपण लाइव शो भी आसते आमर रमता जोगीर हिरो विजय आनंद तो यह सब यंगस्टर से आगे टे बढ़ापी कहकू ना कहकू तो आगे बढ़िया पड़ो से गोटे इनिशिएटिव निया मुझे एका भी ना से मो सह सुदीप्त स्टालीन महापात्र भी अच्छा जे कि मत भी मैंने सपोर्ट करती एंड सी इज डूइंग अल्सो लाइक सी भी बहुत आक्टिव है सब जिन सारे। अच्छा ठीक है तो क्रिकेट कथा टिके हबा जो खास करी की टेनिस बॉल क्रिकेट आम छोट बेले खेलु टेनिस क्रिकेट सर टेनिस बॉल ओके टेनिस क्रिकेट ओके ठीक अछि तो ता विषय टिके कण जानिया पय चाहबा कण निहाति गोर आपण टेनिस क्रिकेट कण टिके दर्शकन को जानि देबे निहाति आम तो क्रिकेट जानि छन लेदर बॉल ले हुए लेदर क्रिकेट जोटा की नॉर्मली बहुत आगरु ग्रोन अप हेई सरची एबे माने पूरा सबळे होइचो हेई चलचे से जिनसटा एबे शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को लोक मैंने प्रिफर कर बहुत अधिका ना टेस्ट रु 50-50 50 रु 20 20 रु 10-10 भी पलि आसला तो शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट पाई टेनिस बॉल गोटे इंडोर रे एक्चुअली मेन विजन हूँ टेनिस क्रिकेट रो कि इंडोर गेम्स कि पारा ओलंपिक्स हो एशियंस गेम्स हो ओलंपिक्स हो इंडोर गेम आने यहाँ शॉर्ट फॉर्मेट रे करिया इनिशिएटिव निया चलछि आरो आरे बहुत आगु भी बढ़ी सारे से बहुत आगु भी कथा चलछि प्रोबेबली आर वर्ष नेक्स्ट एशियन रे एटा बदे इनिशिएटिव हेई पारे 8 टू 10 ओवर शॉर्ट क्रिकेट फॉर्मेट रे एटा इनिशिएटिव हेई पारे तो सेति पई टेनिस क्रिकेट टाकु एबे तार बहुत अधिक प्रायोरिटी दिया जाउची इवन एबे गवर्नमेंट से किछ जॉब्स भी आसुची ए रिलेट को नै के ओके ठीक है टेनिस क्रिकेट रे इंडोर रे भी खेली हेई पारिबो हेई पारिबो नियाति आबा तबे आउ टिके जानिबा जे अपन कहथले शॉर्ट फॉर्मेट नियाति भाबरे तो एठी केमती कोन रूल रेगुलेशन थाए नॉर्मल क्रिकेट रा नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस थाए सब जनस माने जहाँ भी क्रिकेट रो रूल्स बुक्स अच्छे सब रूल्स बुक्स भी फॉलो करा जाए बट एथरे बेसी टाइम लगे नहीं ड्यू टू आदरे बेसी आमको माने पैड्स हेलमेट्स ये सब जिन बेस यूज करा पड़े नहीं तो से जो पीरियड्स ऑफ टाइम डा हम रोते कोलैप्स हो जाए इंडोर भी खेल कारण इंडोर गोटे सीमित परिधि भितर आपको खेल तेज छक्का चौका एडजस्ट हो तो आप हॉकी भी देखु मैं शॉर्ट फॉर्मेट रे तो छक्का टेनिस बॉल लोक मैं बेस हार्मफुल हेनी बाउंड्री बाहर गले भी लोक हैरान हेनी कि लोक मैंने बेस इंजोर्ड हेनी तो से इंडोर भितर एटा खेली भी हम आउ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही मेन मोटो आरो ठीक है शॉर्ट पीरियड किंतु गोटे कथा हम टीम इंडिया को रे सामिल होती जोटा कि सबु भारतीय ड्रीम थाए आपर आपड़ तो ना रखुच खास कर टीम इंडिया रे सामिल होती से खुशी केमती थी से जिते आप प्रथम सिलेक्ट है एक्चुअली सतकथा कह गले ओडिशा स्टेट टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन जोटा कि लीड कर मिसेस रागिनी रिंटू मित्रांत तो फर्स्ट मुझी से ट्रायल्स देवाई डिस्ट्रिक्ट 2016 से एसोसिएशन बहुत मानने नुआ नुआ स्टार्ट होता है दु तीन वर्ष होता फर्स्ट ओपन ट्रायल्स था मानने सब डिस्ट्रिक्ट रू पा आसते सब डिस्ट्रिक्ट रू पा मैंने मानने सिलेक्शन आसते तो फर्स्ट ट्रायल से जाती मुझे नर्वस थी से अलरेडी मोर कैरियर हो गला 17-16 वर्ष क्रिकेट रे बट फिर भी मुझे नर्वस था काले कौन असुविधा सुविधा हम तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट खेलला पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन परे मु स्टेट रिप्रेजेंट कली फर्स्ट टाइम ओडिशा रे एटा हमर रेलवे स्टेडियम होतला इसको रेलवे स्टेडियम होतला तो सेठी रिप्रेजेंट करलु ओडिशा स्तर चैंपियन भी होतला से वर्ष फेडरेशन कप रे देन आमे नेक्स्ट गलु नेशनल खेलिया पई गोवा आ गोवा रे मु ओडिशा टीम कैप्टन थी तो सेठी मु रिप्रेजेंट करथली तो यही जो सिलेक्शन 2019 ही प्रोसेस चली था एक्चुअली 2020 रे न्यू जर्सी रे इंटरनेशनल होबार थिला बट ड्यू टू कोविड एंड ऑल सेट पे हेई पर नथला सेट पे ए वर्ष नेपाल पोखरा रे रहै थला ओके ठीक है आउरी बहुत कथा जानियार अछि दर्शक माने भी जाने पे चाहतबे आउरी हमर भी बहुत गुडी प्रश्न रहै छि किंतु छोटो ब्रेक रो समय छि ब्रेक परे खोज रे परछु परे स्वागत तेज दर्शक बंधु आज सत्य सकाल अतिथि रही आम सहित सुशील कुमार बारिक जी हूँ जन क्रिकेटर ता सहित जन फिल्म प्रोड्यूसर तेज सुशील घरे आ सब किए अच्छा घरे बापा माँ मो दु भी केमती टाइम दिखते क्रिकेट एपटे फिल्म प्रोड्यूस करवा पुणी एपटे आर गोटे छोटे जिनस आड है कहि दूसरी गोटे बहुत छोटे एम्प्लय लोकायुक्त ओडिशा रे मुझे जब भी कै लोकायुक्त ओडिशा रे आ छा मो क्रिकेट एक्चुअली क्रिकेट बहुत कम टाइम एवं प्रिफर कर प्राक्टिस जहाँ टाइम दिए सकाल सन्दे बेले ना घर इवनिंग रे बापा माँ मैंने खास कर क्रिकेट तो निशा आज्ञा तो घरे तो निहाती खास कर जितने गाड़ी तो पड़ु थो कारण क्रिकेट तो एमती गोटे निशा खरा हो बर्षा से किसी फरक पड़े जो आप प्रथम खेलु थे घर सपोर्ट करते ना देखो मुझे क्रिकेट स्टार्ट करी से जो पीएल जमी प्रीमियर लीग्स वगैरह स्टार्ट होने ओपीएल आईपीएल से समस्त घर से था क्रिकेट खेल पेटा खराब हो नॉर्मली समस्त घर से ही था मो स्पेशल मो स्पेशल आइडियल स्पेशल क्यारेक्टर भी मोर क्रिकेटिंग लाइफ रे मो बापा फर्स्ट पाठ पढ़ापाई क्रिकेट बंद करा बोली पूरा धमक फमक दे ये कले मोर किट बैग वगैरह सब रखीदे बट जो मुझे नेक्स्ट खेल को जोड़ी जी ना से लुचिक जाए खेल देखती गोटे इंटरेस्टिंग फैक्टर से लुचिक जाए खेल देखती एंड इफ मैंने बहुत भल टूर्नामेंट जो मैंने लोक मैंने खुशी है किसी से जो प्राइज मनी वगैरह दिखती घर आस माँ को लुचिक कह देते काले तो पो अति प्राइस मनी पाई जी ताको पचार कोन करला तो समस्त घर जन बापा माने बाहर सत्य भितरु नरम थांती किंतु नरम थांती किंतु सी आपन को कोहंती नि जे से आपन को खेल खने किंतु आज से निहाती बार देखु थिबे आज ताको आपन निहाती धन्यवाद ते दियंतु जे या दिन आ माने ताको बिना मु किछु बिनु एक्चुअली सत्य कथा से सब जगह मते सपोर्ट करंदी मते सेकंड क्वेश्चन बे पचरांदन जे मु कोन कर जाउ छे कोन पाई ये ट्रस्ट मी लाइक एवरीथिंग माने ही इज माय आइडियल मु अबे भी कहू छी सब छोटो बळु से जिनस जानी छी से पुलिस डिपार्टमेंट अछन आग्रो शक्त जेमते आपण कहले भितरु नरम मते आज जाय थरे हाथ भी उठे नांदी मु आज जाय मा उठे माड़ खाए बट बापा हाथ उठे नांदी किंतु मते सब बळ सपोर्ट करन सब जिनस पे फिल्म प्रोड्यूस करिवार मनु को हटत किना काहे के आसीला देखो मु कहला जेमते के बहुत यंगस्टर्स एक्चुअली फिल्म प्रोड्यूस कर कहीं आसला आठ वर्ष तले कि पीरियड ऑफ टाइम पाई मुझे हॉलीवुड इंडस्ट्री काम करी मैंने आज ए असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर कही पारती नॉर्मल एमती शिखापी कि इच्छा था तो आइलर ओडिया पो से फिल्म रिलीज है 2008-09 बेले आइलर ओडिया पो तन्मय फर्स्ट फिल्म से प्रतापिना प्रोडक्शन होता एंड विश्वजित महांती तर डायरेक्टर थे से छोटे गोटे काम करी बट जो दु तीन मस काम प्रोसेस रे मोर रिलेटिव्स हूँ घर लोक हूँ से माइंड सेट आसला जे पुओ हॉलीवुड इंडस्ट्री काम कर भल जगह नुह भल मैंने ये किसी से मैंने सिक्योरीटी ना इंडस्ट्री जमी नॉर्मली बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो ग्रो अप होती ये बहुत खराब जिनस हुए ये सब जिन समस्त मेंटालीटा थाए तो से जिनसा मो मेंटालीटी भी सब मैंने घर कह भाविली तो से जिनसा चेंजेस करने ही एक्चुअली मुझे इंडस्ट्री एवं एंटर करुच्ची एक्चुअली ये जिन मेन मोटो था सहीटा कि किसी नुआ छुआ को चान्स दबा किसी नुआ पा चान्स दबा एंड तासह इंडस्ट्री किसी ग्रोन अप करी परबी जदी मो थ्रू रे किसी भी हेई परबो तो दैट विल माय माय प्रिविलेज तबे सेन वानन को कथा निहत बारे जे देखिबा गत काली रो गोटे दुखद खबर थिला तो आपण को रिएक्शन भी रापै छै कारण सेन वान ने तो जो खास करी टेनिस बॉल कथा भी जदी कहबा तांकर स्पिन ही सेई बळे ही थिला ईच एंड एवरीवन आपण जहा कथा भी कहबा ना
ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ କେହି ନା କେହି ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନଟରାଜନ ବି ସେ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ହିଁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍କୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ସ୍ପିନର ମାନେ ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ କି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ବୋଲର ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ନିଦ ଭଙ୍ଗା ବୋଲର ସିଏ ଡ୍ରିମ୍ଲେସ୍ ବୋଲର ସେ କାଲି ଯଦି କାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସେନ୍ ୱାନ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭାଇ କାଲି ତ ଟେନସନ୍ରେ ଥାନ୍ତି ତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେନ୍ ୱାନ୍ ଭଳିଆ ବୋଲର ସେନ୍ ୱାନ୍ ଭଳିଆ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ମୁଁ ବି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମର ଥରେ ବାରବାଟରେ ଦେଖାଇ ଥରେ ଆମର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖା ହେଇଛି ନର୍ମାଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲେୟାର୍ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ଶୁଣୁଥିଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେନ୍ ୱାନ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମାଇକେଲ୍ ବିଭନ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହି ଇଜ୍ ଅ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ଭେରି ଫନି ଗାଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମୁଁ କାଲି ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ନେପାଳ ପୋଖରାରୁ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସଡନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ବି ସଡନ୍ ସକ୍ ଥିଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଗଲ ବୋଲି ଜାଣିଲି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କେବଳ ଆମ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ନୁହଁ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତେବେ ସୁଶୀଲ କ୍ରିକେଟରେ କାହାକୁ ଆଇଡିଆଲ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାଙ୍ଗ ଓପନ୍ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦେଖିକି ବଡ଼ ହେଇଛୁ ବଟ୍ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ସ ଜବାଗଲ ସିନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳୁ ତାଙ୍କର ସୁଇଙ୍ଗ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେନ୍ ଜହିର ଖାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଚେଲ ଜନସନ୍ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ପେସ୍ କଟର୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ତେବେ ଏଇ କଥାଟା ଆସୁଛି କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଜବାଗଲ ସିନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରାଗଲା ଖାସ କରି 1992 ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ଜିତିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ଆପଣ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି ଥିଲା ମାନେ କେମିତି ସେଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ସରେ କ୍ରିକେଟର ଜନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କି ଅଜାରୁଦ୍ଦିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ମେ ବି ମୁଁ ସେବେଠୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରୁ ତ ଅଜାରୁଦ୍ଦିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଆନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ନିଆଁ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଆଁ ଜାଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଅଜିତ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ବହୁତ ସ୍ଲମ୍ କରନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ ସେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ କ୍ରିକେଟକୁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ବହୁତ ବେଳେ ବାହାରେ କି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ସ୍କାମ୍ ହୁଏ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ବି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ନଥିଲା ବିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ କମ୍ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ ପାରିଥାଏ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରୋଅପ୍ କରି ଚାଲିଲେ ଆଣ୍ଡ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପରଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମହମ୍ମଦ ଖେବ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜହିର ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେବା ଇଭିନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅଜିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ବି ବହୁତ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେଇସାରିଥିଲେ ଆଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲର ସେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ତ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆସିବା ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନି ବି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଜଣେ ଅବଦାନ ତ ତାପରେ ତ ଧୋନି ପିରିୟଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହିଜ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ତ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ହେଇ ଚାଲୁଛି ଏବେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେତେବେଳେ ଏକାଡେମିସ୍ ବଗେରା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକାଡେମିସ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ କେଉଁଠି ଲର୍ନ କରିବେ କେଉଁଠି ଶିଖିବେ ରେଫରେନ୍ସ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଇଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଁ 2019 ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ସ ମୁଁ ସେଠି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହାଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଟେକର୍ ଥିଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 19 ୱିକେଟ୍ସ ନେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସ୍କୋର୍ଡ 108 ରନ୍ସ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୁଁ 5th-6th ଡାଉନ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବି ଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 38 ରନ୍ସର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ହୁଏ ନା ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଓକେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି କହୁଛି ବିକଜ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନୋଜ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ମେ ବି ବ୍ୟାଟ ଇଟ୍ ମେ ବି ୟୁ ଅଲ୍ସୋ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ନିହାତି ନିହାତି ତ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ସେଟା ଥାଏ ତ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଲି ଆମର ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶିଆଲି ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ
एंड स्पेशली बैट्समैन आम डिपेंडेंट करूँ दु चार जन जमी राजा हो कालिया हो आमर पप्पू हो दु चार जन बैट्समैन डिपेंडेंट एंड एम भी 360 डिग्री प्लेयर्स तो इवेन नेशनल्स रे भी आमर स्कूप्स वगैरह देखा मिले जोटा कि ओडिशा प्लेयर की इनवॉल्व बोलिंग ऑलराउंडर आज सैड मो बोलिंग सह बैटिंग करे ओके फरक अच्छा केते कोन रन सब हुए जेंके हमें वर्तमान तो 50 ओवर रे 400 तो भी हे जाउ छी तो एठी जतले हुए केते स्कोर सब 65 मीटर सो फील्ड थाए ओके माने एज यूजुअल अपन जेंके ड्यूज बॉल देखछो ने लेदर बॉल देखछो ने सो जो मीटर ऑफ फील्ड रो फील्ड थाए सेटा सही मीटर ऑफ फील्ड पिच भी सही पिच रे बट टॉप पिच ही थाए तो अराउंड 10 ओवर्स रे एटा 10 ओवर्स मैचेस हुए 10 ओवर्स रे हाईएस्ट स्कोरिंग हुए 180-170 ए अराउंड उतर स्कोर हुए मतलब एवरेज ऑफ स्कोर 110-125-30 भीतर एवरेज प्लेयर केतन थांती माने 11 ही थांती तो किंतु माने बंचीबा ताले बॉलर के बैठे कष्ट होय कारण आपन जल्दी कहउ छंती नै नै एटी बॉलर पे प्रिविलेज भी थाए ओके बट एक्चुअली काईना 65 यार्ड्स फील्ड लाल को बैट्समैन को क्लियर करबा टेनिस बॉल ले सेते पावर हिटिंग करिया भी दरकार हो टाइमिंग सो पावर हिटिंग उठे दरकार हो बट बॉलर प्रेफरेंस थाए किंतु सबुठ अधिक बैट्समैन मैंने भी बहुत भल भल बैट्समैन जमी कृष्णा सतपुत हो गले उस्मान पटेल हो गले तो से बहुत भल भल हिट्स लगाती आ बोलर को त्राही भी दिखते बहुत थोड़ा तो भाविया पड़े कौ जगह बल पक जेहेतु आम क्रिकेट विषय में तो आलोचना करे जेहेतु मैच वर्तमान चली खास करके रोहित फास्ट टेस्ट आज कैप्टेन तो आपन भी तो निहाती फॉलो करते के देखछन्ते एक कारण कोहली रोहित जो एपिसोड थिला के लोग को डरु थिले जे काले इंडियन क्रिकेट टीम इफेक्ट मतलब आउट बॉडी एटा मे बी ईच एंड एवरी टाइम जतरले भी का को प्रायोरिटी दिया जा स्टार्ट हुए ना रूमर हवा स्टार्ट हुए इट वाज अ काइंड ऑफ थिंग माने इवन आपन जो भी टीम आपन गली क्रिकेट भी खेलंतु आपन गली यदि आपन कैप्टन दिबे आपन ऊपर यदि आपन जूनियर कैप्टन हेना आपन खराब लागबो एटा रूमर था एटा संति के फील न था बिकज आज अ टीम दे आर प्लेइंग दैट दे गिविंग देयर बेस्ट इवेन कोहली भी बहुत प्रिफरेन्स दौंक वर्ड्स को रोहित शर्मा वर्ड्स को प्रिफरेन्स दौंक मैंने इवेन वर्ड भी शुणुं रोहित शर्मा बहुत जगह आपड़ा देखा पाइबे आपणकर बोलींग डिशन हो फिल्डिंग डिशन हो बहुत जगह भी शुणु सब जिन प्रिफर कर आज ए टीम यूनिट एवं इंडिया जो मझे डाउनफल था एवं लगुच कि टीम सेट हो जा 2020 वर्ल्ड कप आपर वर्ल्ड कप टीम रेडी हवा लगुच बहुत यंगस्टर्स मैंने आसल ठीक है तेरे जेहेतु आप जो क्रिकेट खेलुंता विषय टिके बर्तमान लोकलोचन को आसीनी निर्मी कि वर्ल्ड निहाती भाव आगे गोटे बड़ निहाती भाव चान्स सृष्टि कर अनेक देश ए खेलीपर तो यहाँ गोटे बर्तमान बड़ प्लाटफर्म क्रिकेटर हाँ जाए कि जो मैंने आपको बर्तमान शुणुँचा लास्ट मेसेज दे दिखते कारण समय आम पाखे कम अच्छे नहीं एक्चुअली सत कथ कहे बहुत सारा देश एसोसिएट हो सारे बांग्लादेश हो नेपाल हो ए तो आम बांग्लादेश नेपाल इंडिया आउ बांग्लादेश नेपाल इंडिया सब खेलु मैच श्रीलंका एम सब एसोसिएट हो सारे न्यू जर्सी बहुत जल्दी आड हो एंड पाकिस्तान भी प्रिफरेन्स टीम अच्छा से टेप बल खेल टेनिस बल खेल स्टार्ट कले पाकिस्तान आसवर चानसेस था साउथ एशियन में मैंने ये एशियन टूर्नामेंट बट आसी पार ना मे भी तो सही सब एवं डेवलप हो सारे तो मुझे ये जिनस भी कह चाहे यंगस्टर मैं चान्स अच्छे बहुत भलसे कि आगू बढ़ापी भी जब सर्ट पीरियड अफ टाइम जब लेदर बल को टाइम दे पार ना एंड बहुत पिला अच्छे जो लेदर बल को छाड़ी भी दूसरी किसी रिजनस दे कैन गो थ्रू इट एंड एटारे भी बहुत चानसेस अच्छी जब्स वगैरह भी जमीक पोस्टल आर वर्ष जब्स बाहर था टेनिस क्रिकेट थी एसोसिएट जब्स प्रिफरेन्स बहुत भल लगला किंतु सुशील कर कथबार्तर लगला जे तांकर इच्छा जे से निश्चित भाव पाकिस्तान सहित गोटे मैच खेलबे पाकिस्तान को धराशायी करबे नै मोर एक्चुअली लास्ट इच्छा है अबे कि मु अबे क्रिकेट रो एंड अप नेबी आउ अबे बॉलीवुड रे हॉलीवुड इंडस्ट्री के रे पेन से का आउ किंतु एया अबे ओडिसा रे गोटे एकेडमी हबाउ जाउची जोंथरे कि हमर जे कि टीसीआर चेयरपर्सन अच्छा कन्हैया गुजर सर जनरल सेक्रेटरी अच्छा इंटू मित्रा सर सी ओडिशा गोटे एकेडमी करने प्लानिंग कर बहुत जल्दी बहुत यंगस्टर मानक चान्स मिल लाइक से पिला प्रिफरेन्स हो पारे डायरेक्ट आउ क्लीयर कथा टेनिस बल रु भी पिला आईपीएल खेली एंड एवं भी खेली पारे दे आर प्रिफरेन्स अच्छी तो से टैलेंट डिपेंड कै हार्डवर्क डिपेंड कै हाउ दे आर डुईंग इट ओके ठीक है
तबे सुशील कुमार बारिक रही थे आम सहित आज अतिथि बहुत भल लगला कथा है कि बहुत नुआ कथा भी आमको जानवाक मिलला और दर्शक मैंने जो अच्छा निहाती जानी थे तबे समय तो आम पाखे अधघंटे ही मात्र अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद आप आसे आज अर्गस को टाइम दे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप समय सारी सारे सारे कार्यक्रम को नमस्कार।